एक्टर जॉन अब्राहम अपनी अगली फिल्म अटैक के सेट पर घायल हो गए। एक्टर एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे जिसमें उनके चेहरे पर कांच की एक प्रॉप रॉड से हमला करना था। एक्शन सीक्वेंस को जब बीच में रोका गया तब पता चला कि जॉन के चेहरे से खून बह रहा है। एक्टर ने उस घटना की तस्वीर और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाला जिसमें आप देख सकते हैं कि फिल्म क्रू का एक सदस्य वीडियो में एक्टर के चेहरे से खून साफ कर रहा है। जॉन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे चल रहा है, मुझे ये पसंद है, सब मजे का हिस्सा है। टाइगर श्रॉफ जो अपनी फिल्मों में खतरनाक स्टंट के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जॉन को एक्शन मैन कहा है। इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और रकुलप्रीत सिंह भी काम कर रही है। फिल्म के लेखक और निर्देशक है लक्ष्मण राज आनंद। जॉन अब्राहम ने पहले अपनी फिल्म के बारे में कहा था, फिल्म अटैक एक जबरदस्त स्टोरी के साथ तनी हुई मजेदार थ्रिलर फिल्म है, मुझे ये जॉना पसंद है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।